आज की ताजा खबर जारी है, मैं हूं किशोर अजवान। असम के तिनसुकिया में एक समुदाय के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने हमले के पीछे उग्रवादी संगठन उल्फा का हाथ होने का शक जताया, हालांकि उसने इससे इनकार कर दिया, जिसमें 5 लोगों का बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके के लोग सकते में आ गए। जिन परिवारों के लोग इस हमले में मारे गए, उनका रो रोकर बुरा हाल दिखा। मारे गए लोगों के घरवाले रात के अंधेरे में उनकी बॉडी के पास बैठकर मातम मनाते नजर आए। रोती बिलकती महिलाओं की हिम्मत बढ़ाने के लिए इलाके के लोग भी वहां जुटे और घटना पर दुख जाहिर किया। जिस जगह 5 लोगों की हत्या की गई, वहां कई जोड़ी चप्पलें पड़ी नजर आई। ये चप्पलें खून में सनी हुई थी। इस घटना ने सबको चौंका दिया। मारे गए लोगों के घरवाले तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि उनके अपने नहीं रहे। मारे गए सभी 5 लोग एक ही समुदाय के बताए गए और दावा किया गया कि उन्हें कुछ लोगों ने अगवा करने के बाद मौत के घाट उतारा। मामले में अब तक मिली जानकारी में दावा किया गया कि उग्रवादी संगठन उल्फा इंडिपेंडेंट के कुछ लोगों ने इस हमले को अंजाम दिया, जिसके तहत उन्होंने पहले हमला करते हुए इलाके के 6 लोगों को अगवा किया, उन्हें ब्रह्मपुत्र नदी के पास ले गए। दावा है कि नदी के पास ले जाने के बाद इन सभी लोगों को कतार में खड़ा किया गया। शक जताया जा रहा है कि हमलावरों ने गोलियां चलाने से पहले इन लोगों से उनकी पहचान जुटाई, बाद में एक समुदाय का ही पाने पर उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और 5 लोगों की हत्या को एनआरसी से जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि असम से भयानक खबर आई है, हम तिनसुकिया में हुए बर्बर हमले और श्यामलाल बिस्वास, अनंत बिस्वास, अविनाश बिस्वास, सुबोध दास की हत्या की निंदा करते हैं। क्या ये एनआरसी की वजह से हुआ? ममता बनर्जी हैज ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड हरसेल्फ, वी स्ट्रांगली कंडेम दीज ब्रूटल किलिंग्स, वी आल्सो आस्क एज शी डिड, इज दिस लिंक्ड टू द एनआरसी। असम के सीएम ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की और ट्विटर पर असम के सीएम से बात करने की जानकारी दी। राम मंदिर के मामले में हो रही सियासत के बीच बीजेपी के राज्यसभा एमपी राकेश सिन्हा ने शीतकालीन सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लाने का ऐलान किया। माना जा रहा है कि राम मंदिर मामले की सुनवाई अगले साल जनवरी तक टाले जाने के बाद ये बीजेपी का नया दांव। और राकेश सिन्हा ने प्राइवेट मेंबर बिल लाने का ऐलान करके विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की। राकेश सिन्हा ने राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष से सवाल पूछा और ट्विटर पर लिखा कि जो लोग बीजेपी और आरएसएस को उलाहना देते रहते हैं कि राम मंदिर की तारीख बताए, उनसे सीधा सवाल है, क्या वो मेरे प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन करेंगे? समय आ गया है दूध का दूध पानी का पानी करने का। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात पर बीजेपी के दूसरे नेताओं ने भी हर पार्टी से अपना स्टैंड साफ करने की मांग की। राकेश सिन्हा का इसके लिए धन्यवाद। जो राम भक्त होगा, राम के पक्ष में वो मंदिर के पक्ष में होगा, वो समर्थन करेगा, जो विरोध में हुआ विरोध करेगा। बीजेपी ने इस बहाने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। वहीं इस पूरे मामले में राहुल गांधी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने राम मंदिर से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। शिव भक्त है और राम भक्त नहीं है, और आपकी पार्टी और सारी विपक्ष की पार्टी कोशिश करिए कि राम मंदिर ना बने। इस बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर बयान दिया और साफ कर दिया कि राम मंदिर बनने से अयोध्या के लोगों को राहत मिलेगी। अयोध्या के खासतौर लोग जो कि बहुत परेशान हो चुके हैं इन सारे मुद्दों से, उनके लिए शायद कहीं ना कहीं एक राहत की सांस होगी। हालांकि अपर्णा यादव ने राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की भी सलाह दी। इस बीच बीजेपी के सहयोगी पार्टियों ने भी राकेश सिन्हा के प्राइवेट मेंबर बिल लाने के ऐलान को चुनावी रणनीति बताया। शिवसेना ने तो इस मुद्दे पर सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए और सरकार से राम मंदिर बनाने की तारीख पूछ डाली। प्राइवेट मेंबर बिल के साथ आप मंदिर बनाने की तारीख भर लेके आई, तारीख भी लेके आई। प्राइवेट मेंबर बिल में क्या होता है, उसकी क्या ताकत है, सबको मालूम है। वहीं जेडीयू ने भी इस मुद्दे पर अदालत पर भरोसा जताया। राम जन्मभूमि जैसे महत्वपूर्ण मसले का जब न्यायपालिका समाधान का खुद रास्ता खोज रहा हो तो उस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जेडीयू ने प्राइवेट मेंबर बिल के समर्थन पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया।